तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ओम ट्रिक्स में, जहां पे होती है क्लास 10th क्लास 12th की यूपी बोर्ड 2019 की जमकर तैयारी। तो क्लास 12th वालों के लिए नेक्स्ट चैप्टर इंग्लिश का सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर चैप्टर आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं दोस्तों। चैप्टर का नाम है सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। ये चैप्टर हमारा आज इसी वीडियो से शुरू हो रहा है। इसके राइटर हैं जेम्स एलन। तो पूरा अच्छे से हमारा ये वीडियो आप सभी लोग देखते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th की जमकर के तैयारी चल रही है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ एक्सप्लेनेशंस बाकी रह गए थे इस चैप्टर में, वो इस वीडियो में जान लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये जो हमारा नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट और रिफरेंस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है द माउंटेन द मैसिव रॉक द स्टॉर्म ट्राइड वेक एंड स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड डॉट 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 फ्रॉम देयर फेलोज। ये हो गया आपका पैसेज, ठीक है, पैसेज आपका ये वाला हो गया। रेफरेंस आपका सेम रहेगा जैसे कि पहले में रहता है। तो पहला वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप आई बटन में नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ। इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है 2019 यूपी बोर्ड के लिए, उसमें चले जाओ क्लास 12th की। तो रेफरेंस आपका सेम रहेगा, देखा लिखा है ना, सेम एज पैसेज वन। जो पैसेज वन में रेफरेंस प्रयोग किया गया था वही पैसेज इसमें भी लिखा जाएगा। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द राइटर सेज दैट वी कैन एक्वायर इमेंस पावर टू ओवरकम एंड हैंड्रेंस बाय बैलेंस एंड पैसिविटी और कैलमनेस ऑफ माइंड। ये हो गया हमारा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर पावर इज एसोसिएटेड विद इमोवेबिलिटी द माउंटेन मैसिव रॉक एंड द स्टॉर्म ट्राइड वेक आर द ऑब्जेक्ट विच डोनेट पावर। थोड़ी लाइन नीचे छोड़ के लिखनी है आपको। द पावर टू दीज एलिमेंट्स इज ड्यू टू देयर फर्मनेस एंड इमोवेबिलिटी। द माउंटेन मैसिव रॉक एंड द वेक ट्री स्टैंड स्टेबल एंड फर्म इन स्टॉर्म्स और एनी अदर हर्श वेदर कंडीशंस। यहां तक कि आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है, और आगे छोटा सा बचा है वो भी बता देता हूं, फिर आप थोड़ी लाइन छोड़ के लिखना शुरू करोगे। वाइल द मूविंग सैंड द वीक बंचेस ऑफ द ऑफ ट्री एंड ट्विग्स आर द सिंबल्स ऑफ वीकनेस बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेसिस्टेंट। व्हेन द विंड ब्लोज दे बिकम यूजलेस व्हेन दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर फेलोज। यहां तक हो गया। और रूट्स विच दे आर टाइड ऑफ द राइटर सेज दैट वी शुड नॉट डिटैच और शेक फ्रॉम आवर गोल्स एंड एम्स इन एनी कंडीशंस। वी शुड कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन आवर टारगेट्स। यहां तक कि आपको एक्सप्लेनेशन इस वाले का लिखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं दोस्तों। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते रहिएगा ये वाला। नेक्स्ट है हमारा, पैशन इज नॉट पावर, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर डॉट 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 थॉट इट ऑल। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसेज। ये पैसेज आप जितना भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका पीडीएफ मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं, सभी लोग जाकर के डाउनलोड कर लेना। रेफरेंस हमारा सेम रहेगा जैसे कि हमारा पैसेज वन में रहता है। कॉन्टेक्स्ट है हमारा, इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड पावर। एक्सप्लेनेशन आपको यहां से लिखना स्टार्ट कर देना है। इन दीज लाइन्स द राइटर टॉक्स अबाउट पैशन एंड इट्स इविल इन्फ्लुएंसेस। He says that there is a great difference between passion and power. Passion is the wrong use to power. It results in the weakening of power. A man who is inspired by passion cannot accomplish his work successfully as passions are short lived. यहां तक क्यों हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के आप नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे। The writer compares passion to the angry storm which strike against the rock very fiercely. The ferocity of the storm lasts only for a while. Such is the case which a passionate
मैन वंस ही लूजेस हिज पैशन ही कैन नॉट अकॉम्प्लिश हिज वर्क सक्सेसफुली. ऑन द अदर हैंड पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, इट रिमेन्स कल्म एंड अनमूव्ड अंडर ऑल सर्कमस्टेंस. दस अ पावर मैन इज लाइक ए रॉक दैट रिमेन्स unaffected by the storm and achieves success due to the faith in himself and his power. यहाँ तक की आपको explanation यहाँ से start करना, यहाँ तक की लिख जाना है. Next पे चलते हैं. Next वाला है हमारा, if you have not his power dot 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 valuable energy. यहाँ तक की हो गया. Reference हमारा same रहने वाला है. Context हमारा, in the above passage the writer suggests that the acquire power we have eliminate the vociferous and uncontrolled laughter as they are waste of energy and power. ये हो गया आपका context और explanation की बात करते हैं तो आपको यहां से लेकर के start करना है. The power suggests us that we can acquire power with practice and gaining power is same as gaining knowledge and wisdom. ठीक है, तो यहां से आप लिखना start करोगे, यहां तक ही लिख डालोगे energy and power, यहां तक wisdom. Unnecessary and purposeless activities which hamper our power, these activities trips us up, we fall a victim of these trivial activities. Hence, we should overcome them, acquire power. Uncontrolled laughter, slander and idle talk and cracking of jokes for fun are the waste of our वैल्यूएबल एनर्जी एंड पावर. यहां तक कि आपको लिखना होगा इसका एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों. हमारा एक और इंपॉर्टेंट बचा हुआ है पैसेज. नेक्स्ट वाला ये देखिए, दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ. बहुत इंपॉर्टेंट. अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड डॉट 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 सीक्रेट ऑफ पावर. तो इसका रेफरेंस आपका सेम रहने वाला, कॉन्टेक्स्ट ये वाला आपको लिखना है. द राइटर कंक्लूड्स हिज एसे बाय defining the secret of health, success and power in these lines. Explanation: the writer concludes that the secret of health is a pure heart and a well balanced mind. The secret of success is firm faith in oneself and a wisely decided aim of life. The secret of power is to possess a strong will power to control the wishes and desires of mind. If a person is able to develop the above mentioned qualities, then he can enjoy good health, power and success in life. यहां तक कि आपको इसका explanation complete कर देना दोस्तों. तो इस chapter के हमारे passage wise questions complete हो गए हैं, जो आते हैं आपके आठ नंबर के आपके पूछे जाते हैं. तो chapter है हमारा secret of health, success and power. इसके passage के दो video बन चुके हैं. अगर आपने वो दो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आपको चले जाना चाहिए प्लेलिस्ट में. क्लास 12 इंग्लिश 2019 यूपी बोर्ड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप सभी वीडियो इंग्लिश देख सकते हैं इंग्लिश के. तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. जितना भी आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया ये सब, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पीडीएफ दिया गया है. तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना, इसके मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं. क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे चैनल पर दोनों चीजें उपलब्ध है. क्लास 10th भी है, क्लास 12th भी है, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है. तो सब लोग को बता देना ओम ट्रिक्स पर क्लास 10th और क्लास 12th की तैयारी चल रही. तो सो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब नाउ ओम ट्रिक्स चैनल.